हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न गृहिणी। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाने में, हमारी मसल्स को रिपेयर करने में, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में और बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के नाम बताऊंगी जिन्हें आप अपने डेली डाइट में ऐड करके अपनी बॉडी में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। पहला जो फूड आता है वो है पनीर। पनीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो अगर आप डेली अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हो तो आपकी बॉडी को अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए पनीर डेली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है ओट्स। ओट्स में भी प्रोटीन, फाइबर और विटामिन डी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आप ओट्स को चाहो तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, चाहो तो आप लंच में ओट्स ले सकते हो। आप एज अ स्नैक्स भी ओट्स को अपनी डाइट में ऐड करके अपनी बॉडी में जो आपकी प्रोटीन की कमी है उसको पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नट बटर। नट बटर जैसे हो गया पीनट बटर या आमंड बटर या काजू वाला बटर, तो इनमें भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हेल्दी फैट भी होता है और फाइबर भी होता है। तो अगर आप डेली डाइट में इसे ऐड करते हो तो आपकी बॉडी से प्रोटीन में की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं मसूर की दाल की। मसूर की दाल में भी प्रोटीन, आयरन और फाइबर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए प्रोटीन का ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है टोफू की। आप सब लोग जानते हो कि टोफू सोयाबीन से बनता है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो अगर आप टोफू अपनी डेली डाइट में ऐड करते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है वो काफ़ी हद तक आप पूरी कर सकते हो। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो टोफू आपके लिए प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। अब आता है बीन्स। आप लोग जानते हो कि बीन्स में भी प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आप अपनी डेली डाइट में बीन्स भी ले सकते हो। तो ये कुछ फूड थे जिनमें काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किए हैं। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।